हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिद्रा एंड यू आर वाचिंग लिटिल विश। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग और रिफ्रेशिंग विटामिन सी से भरपूर फेशियल टोनर, जो आपकी स्किन को फेयर और ब्राइट तो करेगा ही, अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है तो उसे भी लाइटन करेगा। और सबसे बढ़कर ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसे हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली ड्राई स्किन वाले। ड्राई स्किन वालों की ये ब्रेकआउट्स को ख़त्म करेगा, साथ ही आपकी स्किन को स्पॉटलेस और ग्लोइंग भी बनाएगा। ये आपके रिंकल्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इतने सारे बेनिफिट्स इस टोनर में, वो भला कैसे, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर टोनर है। आमतौर पर मार्केट से जो विटामिन सी के टोनर मिलते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सस्ता और मार्केट वाले टोनर से कहीं ज़्यादा बेनिफिट रखता है। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपने करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो साथ बेल आपको नज़र आ रही है इसे भी हिट कर दिया करें। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है इस टोनर के लिए वो है ये ओरेंजेस। इस टोनर के लिए हमने इसके पील को भी यूज़ करना है और ऑरेंज जूस को भी। तो सबसे पहले आपने एक ऑरेंज लेकर इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जो तमाम डर्ट है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। फिर हमने करना ये है कि हम इसे ग्रेड कर लेंगे। सिर्फ इसके पील का ऑरेंज पोर्शन ही हमें चाहिए होगा। अगर आपने इसे ग्रेड नहीं करना तो इसके पील्स को कट करके ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना सकती हैं। इसके पील में ऑरेंज से कहीं ज़्यादा विटामिन सी मौजूद होता है, इसलिए हमें अपनी डेली स्किन केयर में इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्किन में ग्लो लाता है, हमारी स्किन को फेयर करता है और हमारी स्किन को यंगर लुकिंग बनाता है। विटामिन सी हमारी स्किन के कोलेजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और ये हमारी स्किन को बहुत ही स्मूथ और फ्लॉलेस बनाता है। ऑरेंज पील में विटामिन सी के अलावा कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मिकदार में मौजूद होता है, जो हमारी डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेट बनाता है, हमारी डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है और हमारे स्किन सेल्स को हेल्थी, यूथफुल और ग्लोइंग भी बनाता है। इसी तरह ग्रेड करने के बाद आप एक क्लीन बाउल लेंगे और ये सारा पेस्ट इसमें आपने डाल देना है। इसके बाद हमने जो चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है ग्रीन टी। इस तरह मैं एक ग्रीन टी बैग ले रही हूँ, इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के अराउंड ग्रीन टी मौजूद होती है। इसे मैंने हाथ पर डाल लिया है और हाथों की हेल्प से इसे अच्छी तरह मैं क्रश करके इसे पाउडर में बना लूँगी, ताकि इसका असर जल्दी से निकल सके। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, ये भी फ्री रेडिकल से फाइट करती है, स्किन को हाइड्रेट रखती है, ये आपकी स्किन से एक्नी और पिंपल्स को भी बहुत ज़्यादा कम कर देती है, आपकी बेजान और रुखी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ ग्रीन टी बैग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास खुली हुई ग्रीन टी मौजूद है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। अब आपने इसमें गर्म पानी ऐड करना है, बॉयल किया हुआ हॉट वाटर आपने इसमें ऐड करना है। आपने पानी इसमें इतना डालना है कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से इसमें डीप हो जाएं। गर्म पानी में इनके ऑयल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। आपने गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना। गर्म पानी इसलिए हमने डालना है ताकि ग्रीन टी के और ऑरेंज पील के तमाम ऑयल्स और अरोमा हमें वाटरी कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही डिप करके रख दूँगी। मुझे थोड़े से और पानी की ज़रूरत थी तो मैंने फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया था। अगर आपको भी ज़रूरत होगी तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा हॉट वाटर। अब ये है हमारा रेडी हो चुका है। अब आपने किसी स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लेना है। एहतियात रखना है कि कोई भी ग्रीन टी के पार्टिकल्स हमें इस जूस में नहीं चाहिए। अच्छे से आपने इसको छानना है, नहीं तो स्प्रे बॉटल में फंस सकते हैं। अच्छी तरह से प्रेस कर करके आपने इसका जूस निकाल लेना है। तो ये मैंने ग्रीन टी और ऑरेंज पील का जूस निकाल लिया है। इस तरह का आप भी देखिएगा, इसमें किसी भी किस्म के पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आ रहे, इसी तरह का ही हमें चाहिए होगा। अब इसकी मैं मेजरमेंट कर लूँगी, ताकि जो भी चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ आपको उनका अंदाज़ा लग सके। तो इस तरह का 30 ml का मेरे पास छोटा सा ग्लास है, जिससे हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो इस तरह ये ग्रीन टी और ऑरेंज पील का जो हमने जूस बनाया था वो 1.5 ग्लास ये वाला हुआ है, यानी कि 45 ml ये कंक्लूजन हमारा हुआ है। अब आपने इसमें फ्रेश ऑरेंज ऐड करना है, वो भी आपको बता देती हूँ कितना। ये प्योर ऑरेंज मेरे पास मौजूद है, जो मैंने एक ऑरेंज से प्रेस कर करके निकाल लिया था। अब इसमें आपने 30 ml ऑरेंज जूस ऐड कर लेना है। इसी तरह अगर आप इसे कम या ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। अब इसमें जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो है रोज़ वाटर। अब जितना मैंने इसमें ऑरेंज जूस ऐड किया था उतना ही मैं रोज़ वाटर इसमें ऐड कर लूँगी। 30 ml मैंने इसमें रोज़ वाटर ऐड कर लिया है।
अगर आपके पास किसी सूरत भी रोज़ वाटर मौजूद ना हो तो आप इसकी जगह बॉइल्ड वाटर भी डाल सकती हैं और वो आपने ठंडा लेना है। रोज़ वाटर ऐड करने की वजह यह है कि हम इसे ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ हमने सब चीज़ें इसमें मिक्स कर लेनी है और इस तरह हमारा विटामिन सी इसे भरपूर टोनर हो जाएगा रेडी। अब आपने एक क्लीन स्प्रे बोतल लेनी है जिसमें आपने ये टोनर डाल लेना है। तो मैं इसमें ये सारा टोनर डाल लूँगी। तो इस तरह हमारा स्किन लाइटनिंग ग्लोइंग टोनर हो जाएगा रेडी। आपने जब भी इसे यूज़ करना है अच्छे से शेक कर लेना है, फिर आप इसे यूज़ करें। जब भी आप अपने फेस को वॉश करें तब ही इसे अप्लाई कर लें। आपने सिंपल इसे पकड़कर पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रे कर लेना है। स्पेशली नाइट टाइम में इसे यूज़ करना मत भूलिएगा। 2 से 3 बार दिन में इसे ज़रूर यूज़ करते रहिएगा। विद इन अ वीक ही आपको इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको हैरान कन डिफरेंस अपनी स्किन में नज़र आएगा। इसे आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। किसी भी तरह की स्किन पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और फ्लॉलेस बनाता जाएगा रेगुलर यूज़ करने से। तो ये थी मेरी विटामिन सी टोनर की अमेजिंग वीडियो। आई होप आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।